नमस्कार दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 11 अक्टूबर 2023 वेंसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए चार्ट में चलते हैं टू लुक एट डिफरेंट करेंसी पेयर्स। डॉलर इंडेक्स जो अभी है वो है आपका 105.76। जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये डॉलर इंडेक्स तब तक सॉफ्ट नहीं होगा जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है एंड उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं दे देता है। कल के दिन में ये ट्रेंड लाइन के नीचे फर्स्ट टाइम सिंस योर जुलाई 18th ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया है। उसके बाद अभी फॉलो थ्रू चाहिए, इसके लो के नीचे आज क्लोज देना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव ब्रेक डाउन फ्रॉम द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। वीकली इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप एट रेजिस्टेंस लेवल, सो इट इज गोइंग इट्स गिविंग इट्स रिजल्ट। लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हम कुछ बोल नहीं सकते, प्राइस एक्शंस जरूरी है। डॉलर रुपी करेंटली 83.20 है, कंसोलिडेशन जारी है, सेम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। जब तक कंसोलिडेशन के बाहर नहीं आते हैं तब तक इंतजार करना है। जीबीपी डॉलर अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिख रहा है। अभी भी आपका जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, इसके ऊपर क्लोज देना है देन फॉलो थ्रू देना है। बट इन द मीन टाइम जो डब्ल्यू पैटर्न ट्रिगर हो चुका है नेक लाइन के ऊपर, नेक लाइन हो गया आपका यहाँ पे, ये नेक लाइन के ऊपर सस्टेन फिन से क्लोज भी दिया है एंड फॉलो थ्रू भी किया है। देर आर हायर पॉसिबिलिटीज जीबीपी डॉलर में टेस्ट 1.2375 से 1.2400 एंड 1.2470 से 1.2500 की तरफ जाने के लिए। अभी हमें इंतजार रहेगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे दे एंड फॉलो थ्रू दे दे। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी सिमिलरली आपका जो डब्ल्यू है उसके ऊपर जाना चालू कर दिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर भी क्लोज दिया है कल के दिन एंड फॉलो थ्रू भी मिल रहा है। अभी भी दिन का क्लोजिंग नहीं है, जस्ट स्टार्ट ऑफ द डे। सो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि जीबीपी आईएनआर में मूव टुवर्ड्स 103.50। यूरो डॉलर सिमिलरली ये जो डब्ल्यू का है ये नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया है। बट जीबीपी डॉलर में आप देखोगे ऊपर नेकलाइन के ऊपर क्लोज दिया है, यूरो डॉलर पे अभी भी नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं किया, थोड़ा सा पीछे है एज फार एज द जीबी द इफ आई कंपेयर इट विथ जीबीपी डॉलर। यूरो आईएनआर जो है अभी 88.29 यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर क्लोज दिया है, क्लोज एंड बट फॉलो थ्रू बाकी है, क्योंकि देखिए अभी सुबह से थोड़ा सा नेगेटिव है। इसको अगर कल के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है तो फर्स्ट मीन्स ये डब्ल्यू कंफर्म हो जाएगा। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यूरो आईएनआर में मूव टुवर्ड्स 89.20-50 एंड देन 90.30-50। डॉलर येन दो दिन पहले मैंने एक चार्ट शेयर किया था जहां पे ये 6 अक्टूबर के लो के नीचे इट में टेस्ट 147.2530 लेवल्स, लेकिन आपका इसके कल के दिन नीचे थोड़ा सा गया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड ऊपर चला गया है। सो यहां पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहा है। कंसोलिडेशन होने देते, एक बार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन करते नीचे के तरफ, इन सच ए केस एक अच्छा खासा डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येन आईएनआर पे सिमिलरली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो क्लोज दिया है लेकिन यहाँ पर अभी तक वो जो दम है ऊपर दौड़ने का वो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये प्रयास कर रहा है ऊपर जाने के लिए, प्राइस मीन्स इंडिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन दम अभी भी कम है। डॉलर कैंडी वीकनेस जारी है, कल एक पॉज कैंडल्स डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। सो यहाँ पे वीकली टुक रेजिस्टेंस एट 16 मूविंग डाउन दैट कंसीडरिंग दैट वन सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड ऑन डॉलर इंडेक्स। ऑसी डॉलर में ये जो आपका बॉक्स से नीचे फॉल्स ब्रेक डाउन किया था दैट considering that one our expectation is it may move towards 0.65
0.6520 एंड काफी उसी डायरेक्शंस में चल रहा है। CNH 7.2895 ये आपका कंसोलिडेशन जारी है, मींस पीबीओसी का एक्शंस जारी है, लेकिन नेचुरल वे पे ये अप्रिशिएट अभी तक होना बाकी है। एंड आल्सो वी नीड टू सी हाउ द प्राइस इज बिहेविंग। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है 87.99 आपका कल एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है, एंड आज अगर इस पॉज कैंडल के ऊपर आवर्ली बेसिस पे सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा और एक अप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10-year ट्रेजरी 4.63 ये कल एक ग्रीन इन कलर कैंडल बनाया हुआ था, बट प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड्स। ये प्राइस टिपिकली इसके लो के नीचे फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर ही है। यूएस 2-year ट्रेजरी 4.988 ये लो से थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है। अभी देखने वाला बात है ये ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट था जिसको ब्रेक डाउन किया लेकिन फॉलो थ्रू नहीं किया, अभी क्या इस ट्रेंड लाइन के उस लेवल से फिर दोबारा वीक होता है या नहीं होते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 36 बेसिस पॉइंट्स। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इन ए नटशेल डॉलर इंडेक्स अगर कल के लो के नीचे क्लोज दे देता है, इट्स ए फर्स्ट गुड साइन एज फार एज द डॉलर वीकनेस इज कंसर्न्ड। डॉलर रुपी कंसोलिडेट कर रहा है, जीबीपी डॉलर धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, यूरो डॉलर भी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, बट इन कंपेरिजन टू जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर इज स्लाइटली वीक। डॉलर येन में हमारा इंतजार ही है, सेल ऑफ हो नहीं रहा है। मीन्स हम काफ़ी अच्छा सेल ऑफ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन वैसा ड्रास्टिक इंटरवेंशन अभी तक दिखा नहीं है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।